Good morning, students. Welcome to my YouTube channel, Rezu Sir Mathematics by ASN Sir. तो अपने आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को JEE Main 2021 थर्ड अटेम्प्ट 22 जुलाई इवनिंग शिफ्ट में जो मैथमेटिक्स का पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन हम डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही क्विक सॉल्यूशन होने वाला है, मतलब इसमें कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं है, कैसे भी तरीके की ब्रांडिंग नहीं है, कोई भी किसी भी तरीके से बच्चे का टाइम बर्बादी वाली बात नहीं है। आप फटाफट आओ, अपने पेपर के क्वेश्चंस देखो, उनका फटाफट सॉल्यूशन, क्विक सॉल्यूशन कि पेपर में हमें उन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना चाहिए, वो है इस सॉल्यूशन वीडियो में कि भाई हमें फटाफट कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं फटाफट स्टार्ट करता हूँ इन क्वेश्चंस को। तो जैसे हमारे पास ये पहला क्वेश्चन आया था, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स दे रखी है और बी एक मैट्रिक्स दे रखी है 3x3 की, जिसकी एंट्रीज में 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे हो सकते हैं। तो हमें नंबर ऑफ पॉसिबल बी बतानी है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाए, कि ए बी बी ए के इक्वल हो जाए। अब ए बी बी ए के इक्वल हो जाए तो अगर हम देखें 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 दिस इज वॉट ए। अब अगर मैं मान लो बी मान लेता हूँ, बी ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ये मैंने मान लिया ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। अब इसकी मैं बी ए लिखूं, बी ए क्या होगा, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई मैं किसके साथ कर रहा हूँ, बी के साथ कर रहा हूँ, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, ठीक। तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आएगा पी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा क्यू आर, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे अब यहाँ क्या आएगा ए बी सी, यहाँ करेंगे तो क्या आएगा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट हमें ये चीज मिल गई पी क्यू आर ए बी सी एक्स वाई जेड। अब दिस इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा बी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे यहाँ क्या मिलेगा ए, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे क्या मिलेगा सी, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे क्या मिलेगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे क्यू, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे क्या मिलेगा पी, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे क्या मिलेगा आर, इसी तरह इसकी मल्टीप्लाई करेंगे वाई, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ एक्स और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ जेड। तो ये हमारे पास दोनों बराबर होने चाहिए, दिस टू शुड बी इक्वल। अब ये दोनों इक्वल होने चाहिए तो अगर हम देखें तो पी बी के बराबर होना चाहिए, P is equal to B, कि P is equal to B के बराबर होना चाहिए and और Q is equal to A होना चाहिए, R is equal to C होना चाहिए, A is equal to Q वो हो चुका है, B is equal to P वो हो चुका है, R is equal to C वो हो चुका है, X is equal to Y होना चाहिए, ठीक है, Y is equal to X हो चुका है और Z Z होना चाहिए। इसका मतलब P B के बराबर होना चाहिए, Q A के बराबर होना चाहिए, R C के बराबर होना चाहिए, X Y के बराबर होना चाहिए। मतलब इन 500 एलिमेंट को हम कोई भी, चारों एलिमेंट को कोई वैल्यू दे सकते हैं और इस 5 एलिमेंट को कोई वैल्यू दे सकते हैं और 5 ही हमें एलिमेंट दे रखे हैं यहाँ पे। तो इन 5 नंबर को, इन 5 नंबर्स को देने के तरीके कितने होंगे, 5 factorial। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 120। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मैट्रिक्स में इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो बच्चों को वो थोड़े ज्यादा पसंद आते हैं और वो अच्छे लगते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वापस एक बहुत बड़ा लड्डू क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर्स लेस देन 10,000 व्हिच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 विदाउट रिपीटेशन। मतलब इसमें हमें रिपीटेशन नहीं लेना है, है ना। अब रिपीटेशन नहीं लेना है 10,000 से छोटे जो नंबर्स हैं। अब 10,000 से छोटे नंबर मतलब 4 digit का नंबर हो सकता है, कि भाई हमारे पास 4 digit नंबर हो सकता है, हमारे पास 3 digit नंबर हो सकता है, हमारे पास 2 digit नंबर हो सकता है और हमारे पास 1 digit नंबर हो सकता है। अब अगर मैं 4 digit नंबर की बात करूं कि भाई 4 digit 1, 2, 3, 4 तो यहाँ पे कितने ऑप्शन हैं, 4, यहाँ पे कितने ऑप्शन हैं, 4, 3, 2 तो 4 × 4 × 6 दैट विल बी 96 हमारे पास आ जाएगा। 3 digit की बात करें, यहाँ पे कितने ऑप्शन है, 4, यहाँ पे कितने ऑप्शन है, 4, यहाँ पे कितने ऑप्शन है, 3, तो 4 × 4 × 3 दैट विल बी 16, 3 जा 48 तो 48 हमारे पास आ जाएगा। 2 digit नंबर की बात करें, 4 ऑप्शन 4 यहाँ पे 16 और अगर 1 digit, अब यहाँ पे यार क्वेश्चन आपको क्लियर करना पड़ेगा कि भाई नंबर्स बोला है इसने या
नेचुरल नंबर बोला है भाई, मैं नंबर्स के हिसाब से ले लेता हूँ कि भाई नंबर तो जीरो भी काउंट करना पड़ेगा, 0, 1, 0, 2, 4, 6, 8, तो 5 केसेस ये हो गए। तो इन सब का अगर हम टोटल करें तो इन सब का टोटल हमारे पास कितना जाएगा, 165। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी व्हाट, 165। अगेन एक थर्ड क्वेश्चन, सर्कल का क्वेश्चन है, ये भी लड्डू क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे नाइदर टचेज नॉर इंटरसेक्ट कोऑर्डिनेट एक्सेसेस, ना तो कोऑर्डिनेट एक्सेसेस को टच करता है ना ही इंटरसेक्ट करता है, और इन दोनों लाइनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सर्कल के अंदर रहेगा, है ना। तो दोनों ही भाई कोऑर्डिनेट एक्सेसेस को टच नहीं करता है, तो जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो एंड एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो, जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो एंड एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो। अब यहाँ पे 36 से अगर हम डिवाइड कर लें तो भाई ये हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 36 3 जा 108, तो ये जाएगा 3x, और इसके साथ 36 अपॉन 120 अपॉन 36, भाई हमारे पास क्या होगा 120 अपॉन 36, तो 120 अपॉन 36, 120 अपॉन 36 y प्लस c अपॉन 36 इज इक्वल टू जीरो। दिस इज व्हाट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये हमारे पास सर्कल की बच्चों इक्वेशन है। अब सर्कल की इक्वेशन हमारे पास ये है, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि भाई 12 से यहाँ पे मैं डिवाइड कर देता हूँ, ये बचेगा 10 और 12 3 जा 36, तो 10 बाई 3 हो जाएगा। तो जी स्क्वायर माइनस सी, जी कितना है 3/2, तो 9/4 माइनस सी अपॉन 36, दैट शुड लेस देन जीरो। 9/4 माइनस सी अपॉन 36 दैट शुड लेस देन जीरो, तो 9 मल्टीप्लाई कर लो और ये हो जाएगा 81, तो c should greater than 81, कि c 81 से बड़ा आ गया इस वाली कंडीशन से। इसी तरह f square minus c, f क्या होगा 25/9, f होगा 5/3 का स्क्वायर होगा 25/9, तो 25/9 minus c, c कितना है अगेन c upon 36 is less than 0, इसको 4, तो c is greater than 100 आ गया, यहाँ की c 100 से अपना बड़ा होना चाहिए। इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लेते हैं, x + 2y = 4, x - 2y = 4 and 2x - y = 5, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है 2, -1। अब 2, -1 सर्कल के अंदर होना चाहिए, तो 2, -1 रखने पे ये हमारे पास नेगेटिव आना चाहिए, तो 2 अगर हम रखें तो 236 × 4 + 36 × 1 - 108 × 2 - 108 × 2 और +120 × -1 plus c that should less than 0, ये c हमारे यहाँ बस, तो c यहाँ पे आ जाएगा 156 से छोटा होना चाहिए, तो c 100 से बड़ा होना चाहिए और 156 से छोटा होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अगेन आसान सा क्वेश्चन दिया है, ये लाइन इस हाइपरबोला और इस पैराबोला दोनों को टच करती है, तो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, कि भी अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे हाइपरबोला जो है, अगर मैं इसके टेंजेंट की इक्वेशन लिखूँ, भाई हाइपरबोला के टेंजेंट की इक्वेशन होती है y = mx + √a² m² - b², ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं m देखूँ, भाई y = कितना है -2x + k है, तो इस लाइन का स्लोप कितना है -2, तो y = -2x + √a, a हमारे पास कितना होगा a स्क्वायर होगा हमारे पास 4, a स्क्वायर हमारे पास होगा 3 × 4 12 -b² कितना है 3, तो ये आ गया y = -2x + √9 will be 3, ठीक। ये हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे पैराबोला, तो इसका 4a है अल्फा, तो a कितना है α/4, है ना, तो y = mx + a/m, α/4m,
ये हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन होनी चाहिए। m को माइनस टू रखा तो y इज इक्वल टू माइनस टू एक्स माइनस एल्फा बाई एट हो जाएगा। तो माइनस एल्फा बाई एट प्लस माइनस थ्री के इक्वल होना चाहिए। तो एल्फा की वैल्यू अगर प्लस करेंगे तो माइनस 24 आएगी और माइनस करेंगे तो प्लस 24 आएगी। तो व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल्फा, की पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल्फा इज प्लस 24। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन विच सेटिस्फाई द कंडीशन 11 की पावर एन। अब देखो 11 की पावर n प्लस 10 की पावर n, ये हमारा बड़ा होना चाहिए। 11 की पावर n जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन 10 की पावर n प्लस 9 की पावर n। अब देखो यहाँ पे अगर ये एक बार बड़ा हो गया, जैसे n मान लो हमने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, एक बार ये बड़ा हो गया तो फिर उसके बाद बड़ा ही हो जाएगा भाई हमेशा। भाई हम वैसे इसमें थोड़ा सा जुगाड़ वगैरह लगा सकते हैं कि भाई 11 की पावर n प्लस नाइन की सॉरी माइनस नाइन की पावर एन यहाँ ले जाए और 10 की पावर एन यहाँ ले, और फिर उसके बाद देखें कि भाई क्या बैठ रहा है क्या नहीं बैठ रहा, कौन सी चीज़ सही बैठेगी। लेकिन हमें वैल्यू तो रखनी ही पड़ेगी भाई, वैल्यू तो किसी भी केस में हमें यहाँ पे रखनी ही पड़ेगी कि भाई हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है। अब देखो यहाँ पे 11 की पावर 9 माइनस 9 की पावर 9 10 की पावर 9 से एक बार अगर बड़ा हो गया तो आगे सभी सभी बड़ा होगा। तो जैसे मान लो आपने n को 1 रखा तो 1 पे ये 11 है, 19 है डिससेटिस्फाइड। n को 2 रखा, 2 पे 121 है और ये 100 प्लस 9 की पावर 2 181 डिससेटिस्फाइड। इसी तरह 3 रखा, इसी तरह 4 रखा, जैसे मैं सीधे 4 रखता हूँ मान लो, तो 4 पे ये हमारे पास क्या होगा 11 की पावर 4 माइनस 9 की पावर 4 ग्रेटर देन 10 की पावर 4। सही बात। अब 11 की पावर 4 माइनस 9 की पावर 4 इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 11 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर ग्रेटर देन 10 की पावर 4। ठीक है, ये हम इसे रख सकते हैं। और ये हमने इसे रखा तो यहाँ पे हमारे पास 11 माइनस 9, 11 माइनस 9 को हम क्या लिख सकते हैं 2, और 11 प्लस 9 को हम लिख सकते हैं 20। तो ये हो गया 40 और ये हो गया 11 स्क्वायर 121 प्लस 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर इज व्हाट 81, दैट शुड ग्रेटर देन 10 की पावर 4। 20 में एक ही काट दो भाई, 10 क्यूब आ जाएगा अपने पास, तो 10 क्यूब होता है 1000। ठीक है, और ये हमारे पास कितना होगा 4 इंटू 121 प्लस 81 2 और 202, ये हो गया 808। 1000 से बड़ा होगा क्या? नहीं। तो n इज इक्वल टू 4 के लिए भी ये बात अपनी रिजेक्ट हो गई कि n इज इक्वल टू 4 के लिए बात रिजेक्ट हो गई। तो 1, 2, 3, 4। अब इसी तरह मैं n इज इक्वल टू 5 रखूंगा तो 5 के लिए बात सही आ जाएगी। तो 5 रखने के बाद जो आगे जितने भी नंबर होंगे उन सब के लिए सही आएगी। तो हमारे पास क्या है 5, 6, 7, 8, 9, 100, इन्होंने नंबर्स पूछे हैं तो 96 नंबर्स हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा कि भी नंबर विल बी 96। तो आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज का बहुत ही लड्डू क्वेश्चन यार, इससे लड्डू क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। एक एपी है, इसमें S10 सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स दे रखा है और S20 माइनस S6। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन जरूर कराइए, अदरवाइज कुछ भी नहीं। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स 10/2 2 into a प्लस n-1 9 into d इज इक्वल टू 530। दिस इज वन रिलेशन। सम ऑफ 5 टर्म्स 5/2 2 into a plus 4 into d is equal to what 140, ये हमें दे रखा है। तो यहाँ से अगर हम a और d की वैल्यू निकाल लें तो हमारा काम तुरंत हो जाता है। तो a की वैल्यू निकली है 8 और d की वैल्यू निकली है 10। ठीक है, अब फिर s20 minus s6 हमें निकालना है। तो s20 minus s6 ये भी बड़े आसानी से निकाला जा सकता है। तो डू द कैलकुलेशन, इसका आंसर हो जाएगा 1862। ठीक, नाउ आई कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, भाई पेपर में थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन रहेगा ये। द वैल्यू ऑफ आर विच टर्म द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इज 180। अब यहाँ पे आर यहीं पे दे रखा है, परेशानी बस ये है। तो मैं इसकी जनरल टर्म लिखता हूँ। तो इसकी जनरल टर्म क्या है, टेन सी के 2x की पावर r की पावर 10 माइनस के। तो ये होगा 2 की पावर 10 माइनस के
इंटू एक्स की पावर आर इंटू टेन माइनस के, ठीक है, और इंटू एक्स की पावर माइनस टू के, ये हमारे पास हो जाएगा। अब ये हमारे पास हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम x का ये जो कोफिशियंट आएगा और ये x की पावर आएगी, तो ये जो कोफिशियंट है ये हमें 180 दे रखा है, तो 10c के इंटू टू की पावर 10 माइनस के इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पे ये 180 देखना है कि यार ये 180 कब होगा। अब यहाँ पे 180 देखने के लिए अगर देखो k जो है टेंसी के टू की पावर 10 माइनस के है, के अगर हमारे पास जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि टू की पावर 10 हो जाएगा और जो कि 180 से बहुत बड़ा होगा, तो यहाँ पे हमने जैसे के जीरो रखा नहीं आएगा, सॉरी के 10 रखा नहीं आएगा, के 9 रखा नहीं आएगा, के 8 रखा, 8 रखने पे कितना होगा 10c8 into 2 की पावर 2, तो 10c8 मतलब 45 into 4 180, तो k is equal to 8 पे जो टर्म है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x आ रही है, तो k is equal to 8 में अगर यहाँ पे रखूं तो यहाँ पे हमारे पास पावर क्या होगी, 8 रखने पे 2r, मैं ये जो पावर होगी 2r minus 16, तो 2r minus 16 should equal to 0, so the value of r is equal to 8, कि भाई r की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 8 होगी, ठीक। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये कि इसमें हमें बताना है कि ये फंक्शन कब इंक्रीजिंग फंक्शन है। एफ एक्स दे रखा है -4x³ - 4/3x³ + 2x² + 3, जब एक्स जीरो से बड़ा है, तो एक्स जीरो से बड़ा है तो ये क्यूबिक है, और जब एक्स जीरो से छोटा है तो ये हमारे पास एक एक्स ई की पावर एक्स फंक्शन है। अब यहाँ पे अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर लें f'x की बेस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा -4x² + 4x, ठीक है, और इस वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x e की पावर x into x+1, ये हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये जब x पॉजिटिव है और ये जब x नेगेटिव है। तो अगर इस फंक्शन के बारे में देखें नेगेटिव वाले में, -1 से छोटे पर ये डिक्रीजिंग है और -1 के बाद ये इंक्रीजिंग है, तो -1 से 0 हमें इंक्रीजिंग देखना है, तो -1 to 0 ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे देखूं ये जो डेरिवेटिव है, तो ये है -4x into x - 1। अब -4x into x - 1 जब x 0 से 1 के बीच में है, जब x अपना भाई -4x कॉमन ले लिया, जब x अपना 0 से 1 के बीच में है, तो ये जो डेरिवेटिव है ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 0 से 1 के बीच में फंक्शन इंक्रीजिंग है, और उसके बाद 1 के बाद डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो -1 से 1 तक ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग हमारे पास आ रहा है -1 से 1 तक। तो अब इसमें ऑप्शन देखने वाली बात है कि भी ऑप्शन जो होंगे उसके हिसाब से ये टिक करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भाई हमें z² + 3z²=0 के n सॉल्यूशन दे रखे हैं, और n सॉल्यूशन देने के बाद हमें इस सीरीज का सम बताना है कि इस सीरीज का सम हमारे पास क्या होगा। अब देखो z को x + i/y रख देते हैं, तो x + i/y का स्क्वायर, दैट इज x² - y² + 2i/xy, और +3z²(3x - 3i/y) इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे रियल पार्ट अगर हम देखें तो x² - y² + 3x, दिस शुड इक्वल टू 0 होना चाहिए, और अगर हम इमेजिनरी पार्ट देखें तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, y कॉमन ले लिया 2x - 3 इज इक्वल टू 0। y कॉमन ले लिया, और y कॉमन लेने पे यहाँ पे क्या आया, 2x - 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक केस बनेगा, पहला केस y इज इक्वल टू 0 हो जाए, दूसरा केस बनेगा x अगर 3/2 हो जाए, ठीक है। y अगर 0 हो जाता है तो y 0 रखेंगे, तो x² + 3x 0 होगा, तो x की दो वैल्यू आ गई 0 और -3, तो दो सॉल्यूशन तो यहाँ से आ गए। और x अगर 3/2 होगा तो 3/2 में यहाँ रखूंगा x की वैल्यू, और y² = 3/2 9/4 + 3/2 9/2
इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, दो वैल्यू आएंगे तो दो सोल्यूशन यहाँ आएंगे, दो सोल्यूशन यहाँ आएंगे, टोटल कितने हो गए, चार सोल्यूशन हो गए, तो एन इज इक्वल टू फोर आ गया। अब एन इज इक्वल टू फोर आ गया तो इस सीरीज का सम देखें तो जीरो पे वन, वन बाई फोर, वन बाई फोर स्क्वायर एंड सो ऑन, इट्स विल बी जीपी ए अपॉन वन माइनस आर, वन अपॉन वन माइनस आर थ्री बाई फोर, वन अपॉन थ्री बाई फोर फोर बाई थ्री, तो इसका आंसर हमारे पास कितना है, फोर बाई थ्री, ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ सोल्यूशन, साइन की पावर सेवन एक्स प्लस कॉस की पावर सेवन एक्स इज इक्वल टू वन, इस इक्वेशन के हमें सोल्यूशन बताने हैं। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वन होता है, अब साइन की पावर सेवन एक्स जो है साइन स्क्वायर एक्स से छोटा होगा और कॉस की पावर सेवन एक्स भी कॉस स्क्वायर एक्स से छोटा होगा, तो ये वन कब हो सकते हैं, जब ये जीरो हो जाए, ये वन हो जाए, या ये वन हो जाए या ये जीरो हो जाए, ये तभी हो सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास ये नहीं हो सकते। तो साइन एक्स जीरो हो जाए और कॉस एक्स वन हो जाए, या कॉस एक्स जीरो हो जाए और साइन एक्स वन हो जाए, ठीक बात। अब यहाँ पे साइन एक्स जीरो है, कॉस एक्स वन है, तो आंसर होगा जीरो टू पाई फोर पाई, साइन एक्स जीरो और कॉस एक्स वन है तो आंसर है जीरो टू पाई फोर पाई, ठीक है। और अगर कॉस एक्स जीरो और साइन एक्स वन है तो ये होगा पाई बाई टू, जीरो से टू पाई में, और उसके बाद होगा टू पाई प्लस पाई बाई टू, तो एक दो और ये तीन पांच, तो फाइव सॉल्यूशंस विल बी देयर फॉर दिस प्रॉब्लम, लड्डू प्रॉब्लम थी। नाउ आई कम टू द क्वेश्चन नंबर 11, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिलोंगिंग टू दिस सेट हूज एचसीएफ विद 2304 इज 1, 2304 के साथ HCF 1 आना चाहिए। अब 2304 को अगर हम देखें, 2304 is nothing but 2 की पावर 8 into 3 की पावर 2, ठीक है। अब HCF 1 आना चाहिए, इसमें मतलब 2 और 3 के फैक्टर, तो 1 से लेके 100 में जो नंबर 2 और 3 वाले हैं, जिनके फैक्टर में 2 और 3 आ रहा है, जो 2 और 3 से डिविजिबल है, वो नहीं आने चाहिए। तो इन सब का सम, टू और थ्री वाले सोचो कि नंबर ऑफ टू, नंबर ऑफ थ्री माइनस नंबर ऑफ सिक्स। अब टू और थ्री वाले जो हैं, टू वाले कौन से होंगे, इवन नंबर वाले, तो इवन नंबर वाले कितने होंगे, 50 होंगे, तो टू इंटू फर्स्ट टर्म, सॉरी 50 अपॉन एन इंटू एन प्लस वन, जैसे अगर हम टू वाले देख रहे हैं तो टू फोर अप टू हंड्रेड, कितनी टर्म्स हैं, 100 टर्म्स है, 50 टर्म्स है, तो एन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितनी है 2, लास्ट टर्म कितनी है 100, इनका सम कितना है 102 अपॉन 2, प्लस थ्री वाला हमारे पास कितना आएगा, अगर हम थ्री वाले लास्ट नंबर देखें तो 33, भाई 33 थ्री जा 99, तो 33 नंबर है, 33 अपॉन 2, और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 33 में फर्स्ट टर्म होगी 3, लास्ट टर्म होगी 99, तो 3 प्लस 99 दैट विल बी अगेन 102, तो 33 अपॉन 2 इनटू 102 अपॉन 2, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया वापस 3 वाला, कि भाई 3 वाले हमारे पास आखिर कौन से हैं, ठीक है, उनका सम। और इसके बाद 3 वालों के बाद अगर हम आगे देखें माइनस 6 वाले, कि भाई 6 वाले हमारे पास कौन से होंगे, 6 वाले माइनस अगर हम करें तो 6 वाला पहला नंबर होगा 6, फिर होगा 12 और लास्ट नंबर होगा मेरे पास 96, लास्ट नंबर मेरे पास कितना होगा 96, तो लास्ट नंबर 96 है तो इनकी काउंटिंग है 16, भाई इनकी काउंटिंग कितनी है 16, तो 16 इनकी काउंटिंग है, तो 16 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 102 अपॉन 2, तो ये हमारे पास हमने इनमें सम निकाला। अब टोटल सम में से 1 से लेके 100 के सम में से इसे माइनस कर देंगे, वी हैव द आंसर, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा कैलकुलेट करके 1633, तो फाइनल आंसर इज 1633, सो दैट विल बी द आंसर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है fx एक कंटीन्यूअस फंक्शन दे रखा है और हमें अल्फा की वैल्यू बतानी है कि अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। अब देखो ये जो एक्स जीरो से छोटा है तो ये फंक्शन है, जीरो से बड़ा है तो अल्फा है, मतलब हमें लिमिट निकालनी है,
कि इस फंक्शन की लिमिट एक्सपेंडिंग टू जीरो में लिमिट क्या होगी इस फंक्शन की। अब देखो इस फंक्शन की लिमिट निकालने के लिए जैसे 1 माइनस कॉस 2x है तो कॉस 2x का एक्सपेंशन कर दो 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर अपॉन 2 तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा और 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 से 1 कटेगा तो ये 4x स्क्वायर आ जाएगा। तो 4x स्क्वायर मैं लिख देता हूँ 4x की पावर 4 सॉरी 4x की पावर 4 आ जाएगा और ये हमारे पास क्या बचेगा x क्यूब ठीक है। ये एक्स क्यूब यहाँ कटेगा तो ये x बन जाएगा। अब रही बात इसकी कि भाई इसका हमें एक्सपेंशन करना है तो इसका हमारे पास एक्सपेंशन क्या एल एन वन प्लस एल्फा x e की पावर x माइनस टू एल एन वन प्लस x e की पावर x ठीक है। अब यहाँ पे भाई हमने तो बच्चों को ट्रिक बता रखी है एल एन वन प्लस एफ एक्स एक्सटेंडिंग टू जीरो को एफ एक्स हो जाता है तो ये बचेगा एल्फा x e की पावर x ये बचेगा माइनस टू एक्स ई की पावर एक्स ठीक है और अपॉन एक्स इंटू फोर तो एक्स 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 अपना कट जाएगा एक्स टेंडिंग टू जीरो पे ई की पावर जीरो वन हो जाएगा तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस टू अपॉन फोर कि द वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू विल बी अल्फा माइनस टू अपॉन फोर ये अल्फा के बराबर होनी चाहिए। अब अल्फा माइनस टू इज इक्वल टू फोर अल्फा तो अल्फा मेरे पास कितना आ जाएगा माइनस टू बाई वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी माइनस टू बाई थ्री की अल्फा की वैल्यू माइनस टू बाई थ्री हमारे पास आ गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 हमें इस फंक्शन की डोमेन बतानी है कि भाई इस फंक्शन की डोमेन क्या है तो डोमेन के लिए कॉस इनवर्स की डोमेन होती है कॉस इनवर्स के अंदर माइनस वन से वन होना चाहिए तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन शुड लेस देन इक्वल टू वन पॉजिटिव तो होगा ही होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स शुड लेस देन जीरो तो x हमारे पास कहां से कहां तक आ गया जीरो से वन तक आ गया कि x lie between 0 to 1। अब 0 से 1 तक हमारे पास ये आ गया है भैया वाला फंक्शन 0 से 1 के लिए डिफाइन है कि x अपना 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। अब यहां पे ये चीज पॉजिटिव होनी चाहिए कि sin इनवर्स 2x minus 1 upon 2 should greater than 0 तो 2x minus 1 upon 2 should greater than 0 but should less than 1 तो 2x minus 1 0 से बड़ा होना चाहिए 2 से छोटा होना चाहिए तो x 1 by 2 से बड़ा होना चाहिए और x 3 by 2 से छोटा होना चाहिए 3 by 2 से छोटा होना चाहिए तो हमारे पास ये आ गया कि x 1 by 2 से बड़ा है और 1 से छोटा है तो alpha is 1 by 2 and beta is 1 तो हमारे पास इसकी वैल्यू alpha plus beta 3 by 2 हो गई तो ऑप्शन नंबर 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बच्चों ये एक क्वेश्चन और देखते हैं ये अपना कॉनिक सेक्शन का क्वेश्चन है। E1 और E2 दो इलिप्स हमें दे रखे हैं जिनकी इसेंट्रिसिटी सेम है। E1 हमें ये इलिप्स दे रखा है मान लो इसेंट्रिसिटी E है तो E इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ये हमें एक दे रखा है। अब E2 इस तरीके से है जो एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस मतलब E1 के एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस से पास होता है ठीक है और एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ E1 आर फोकी ऑफ E2 ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है हमारे पास 0, b ये उसका फोकस है मतलब वो इलिप्स जो होगा वो कुछ इस तरह का होगा हमारे पास तो वो यहाँ 0 से पास हो रहा है ठीक है। मान लो ये पॉइंट है 0, k तो उसकी इसेंट्रिसिटी अगर हम देखें तो उसकी इसेंट्रिसिटी होगी 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर उसकी सेंट्रिसिटी क्या होगी 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर तो ये दोनों चीज बराबर होनी चाहिए तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर तो के स्क्वायर इज इक्वल टू ठीक है ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब यहाँ पे जो फोकस है फोकस इसका क्या होगा फोकस होगा के ई फोकस क्या होगा के ई और के ई हमारा बी के बराबर है भाई के ई हमारा किसके बराबर है बी के बराबर तो के इज इक्वल टू बी अपॉन ई हो जाएगा कि के इज नथिंग बट बी अपॉन ई तो के बी अपॉन ई है तो यहाँ पे बी अपॉन ई रख दिया तो बी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर तो ये इधर गया बी की पावर 4 अपॉन ए की पावर 4 इज इक्वल टू ई स्क्वायर हो गया कि b की पावर 4 अपॉन e की पावर 4 इज इक्वल टू e स्क्वायर तो e इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर
और बी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक बन गई, ई स्क्वायर माइनस ई माइनस 1 इज इक्वल ई स्क्वायर प्लस ई माइनस 1। तो ई की वैल्यू कितनी है, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। तो माइनस 1 रूट 5 माइनस 1, भाई 1 से बड़ी तो हो नहीं सकती, तो माइनस 1 सॉरी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2, ये हमारा इसका आंसर आ गया। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। अगली प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, हमें ई की वैल्यू बतानी है। बहुत ही लड्डू प्रॉब्लम है यार, इसमें तो क्या ही बोला जाए। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ई की पावर एक्स को टी मान लो, तो ये है टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो टी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, या तो माइनस 2 होगी या 1 होगी। अब माइनस 1 या 1 होगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ई की पावर एक्स माइनस 2 तो नहीं सकता, 1 होगा। तो ई की पावर एक्स 1 से लेकर 2 के बीच में होगा, तो एक्स 0 से एल एन 2 के बीच में होगा। एक्स विल बी लाई बिटवीन 0 टू एल एन 2, कि भाई एक्स अपना 0 से एल एन 2 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब ये इंटीग्रेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। भाई e की पावर x इज 2 माइनस x स्क्वायर को 1 प्लस 1 माइनस x स्क्वायर लिखो, ठीक है, और इसके नीचे लिखो 1 माइनस x, और इसके नीचे लिखो अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और इसके नीचे लिखेंगे 1 माइनस x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पे अगर हम इसको ध्यान से देखें तो अंडर रूट 1 माइनस x कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा अंडर रूट 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस। ठीक, अब देखो एक फॉर्म इंटीग्रेशन में बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई जाती है बच्चों को, कि a की पावर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन। तो देखो ये हमारे पास एफ एक्स है, ये इसका एफ डैश एक्स है। तो a की पावर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, a की पावर x एफ एक्स। तो a की पावर x अंडर रूट 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x, तो ये हमारे पास कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकेंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए